बाहर आना खले आम थोड़े जी अठवां बंदा था को ना लगना असा गप मारो अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद की खुशियां मुबारक हों। वैसे तो हम ईद की नमाज़ अदा करने साथ वाले कस्बे में जाया करते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस बार ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और हमने अपने गांव के मस्जिद में ईद की नमाज़ अदा की। वहां पर हम जाते थे, ख़रीदारी करते थे, इंजॉय करते थे, मौज मस्ती करते थे। तो चलते हैं, आज मैं आपको ईद की रूटीन शेयर करता हूँ। जो अज़ीज़ इस दुनिया से चले गए हैं, ईद वाले दिन उनकी ज़ियारत पर जाते हैं, सलाम और फातिहा खानी करते हैं। मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आपके जो अज़ीज़ इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी ईद वाले दिन उनकी ज़ियारत पर जाएं, सलाम और फातिहा खानी करें। यहाँ पर भी हम अपने प्यारों के पास सलाम और फातिहा करने आए हैं। ईद वाले दिन भी इनको आप मत भूलें।
घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ईद मिलने के बाद हम सब कजन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ईद मिलन पार्टी के लिए। यकीनन आप भी ईद की खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन ईद जो है वो इस बार दूसरी ईदों से इसलिए मुख्तलिफ है कि पहले तो कोरोना वायरस की वजह से ईद की खुशियों को नज़र लग गई, लेकिन दो दिन पहले होने वाले त्यारे हादसे ने ईद की खुशियों का मज़ा किरकिरा कर दिया। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन लवायकीन को सब्र व जमील अता फरमाए। कैसे अरे पानी पानी दे बस करो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स जरूर करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल पीर पिहाई लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाएं ताकि जो हर नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें।